फाइनली 3 हफ्तों के बाद रचित टोकस यानी कि विक्रांत एक बार फिर नागिन 3 में वापस आने वाले हैं, जिसे देखकर डेफिनेटली फैंस काफी खुश होंगे। सबने सीरियल के स्टार्टिंग एपिसोड्स में देखा कि कैसे विक्रांत को सहगल ब्रदर्स और उनके फ्रेंड्स का गैंग मिलकर मार देते हैं और उसका बदला लेने के लिए कैसे रूही यानी कि करिश्मा तन्ना और अब बेला सारी प्लानिंग करती है, यहाँ तक कि वो माहिर यानी कि पर्ल विपुरी से शादी करने में भी सफल हो जाती है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है। इन सारे इंसिडेंसेस और एक्साइटमेंट के बाद एकता कपूर ने कुछ और स्पाइसेस अपने बैग में बचा कर रखे हैं और वो स्पाइस ये है कि रजत टोकस की इस शो में एक बार फिर से वापसी हो रही है। विक्रांत यानी कि रजत टोकस ने रूही यानी कि बेला को ये वादा किया था कि वो किसी पूर्णमासी की रात उसे देखने को वापस जरूर लौटेगा। रीसेंट प्रोमो में ये दिखाया गया है जहां पर विक्रांत की आवाज बेला के सर में गूंज रही होती है, जहां बेला को विक्रांत यानी कि रजत टोकस का किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो उसे सुनते हुए पुरानी हवेली की तरफ बढ़ती है। पुरानी हवेली के पीछे चलते चलते वो जंगल के बीच पहुंच जाती है जहां उसे रजत टोकस यानी कि विक्रांत दिखते हैं। वेल, ये प्रोमो देखकर डेफिनेटली ऑडियंस को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी, जहां पे रजत टोकस को कुछ ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया था, मगर इस वापसी के बाद डेफिनेटली रजत टोकस 1-2 एपिसोड्स के लिए तो वापस नहीं आए होंगे और हमारा अंदाजा है कि रजत टोकस फिलहाल कुछ और हफ्ते रुकेंगे जहाँ ये सुरभि जोशी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। स्टे ट्यून्ड। फिलहाल रिश्ता टीवी का मैं इतना ही। अपने फेवरेट सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और फिलहाल दें इस वीडियो को थम्स अप।